हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ एमडी चिल्ड्रन एकेडमी रायसेन नगर। हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द साइंस क्लास। बेटा, वी आर कंटिन्यूइंग आवर चैप्टर नंबर 1 एंड टिल नाउ वी डिस्कस्ड दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट व्हाट अबाउट प्रोटीन्स एंड विटामिन्स? पेड़ों को भी, ट्रीज़ को भी, प्लांट्स को भी प्रोटीन्स और विटामिन्स की ज़रूरत होती है। उन्हीं प्लांट्स को हम कंज्यूम करते हैं, अदर एनिमल्स कंज्यूम करते हैं। तो ये प्रोटीन्स और विटामिन्स कैसे प्रिपेयर होते हैं? कीप वन थिंग इन माइंड दैट कार्बोहाइड्रेट्स के जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, दैट इज़ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स में मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिल जाती है। इसी वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से कार्बोहाइड्रेट्स प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। वेयर एज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स में जो मेन कंपोनेंट होता है, दैट इज़ नाइट्रोजन। इनको हम कह सकते हैं कि प्रोटीन एंड विटामिन्स आर नाइट्रोजिनियस सब्सटेंसेस। इसका मतलब ये मेनली नाइट्रोजन से बनते हैं। तो प्रोटीन्स और विटामिन्स कैसे बनेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए तो एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। व्हाट अबाउट प्रोटीन्स एंड विटामिन्स? प्रोटीन्स और विटामिन्स प्लांट्स में कैसे प्रिपेयर होते हैं? प्रोटीन्स और विटामिन्स मेनली दो चीज़ों की हेल्प से प्रिपेयर होते हैं, दैट यू आर गोइंग टू लर्न about in this chapter. One is proteins and vitamins are prepared with the help of blue-green algae. ये algae का एक type होता है। मैंने आपको last class में alga क्या होता है समझाया था। alga का plural form होता है algae. Okay? तो ये उसकी एक species है blue-green algae जो soil में present होती है, ठीक है। And second is rhizobium bacteria. Now first we are going to discuss how blue-green algae help plants to prepare proteins. As we know, nitrogen is present in abundant form in atmosphere. But this nitrogen can't be used by the plants directly. जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा ले लेते हैं अपनी बॉडी में टू प्रिपेयर ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स हम कह सकते हैं। इन द सेम वे वो नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, वो उसे यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो उस फॉर्म, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है जिसको वो यूज़ नहीं कर सकते टू प्रिपेयर प्रोटीन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको ब्लैक ग्राम्स विदाउट प्रिपरेशन कच्चे ऐसे खाने के लिए दे दूँ, व्हाट विल हैपन? आप एक बार खाओगे, दो बार खाओगे, देन आपके स्टमक में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो व्हाट वी यूजुअली डू, वी कुक दैट। ओके, हम उसको कुक करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, उसको एक फॉर्म में चेंज करते हैं, एक सूटेबल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, दैट कैन बी ईजिली डाइजेस्टेड बाय अस। ओके, इन द सेम वे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कांट बी यूज्ड बाय प्लांट्स डायरेक्टली, तो ब्लू ग्रीन एल्गी सॉइल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करता है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक सूटेबल फॉर्म में चेंज कर देता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक सूटेबल फॉर्म में चेंज किया, वो सूटेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन नाउ प्रेजेंट इन सॉइल। तो जब प्लांट्स रूट्स के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब करते हैं ना, तो ये सूटेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन भी एब्जॉर्ब हो जाती है, एंड देन दिस फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर प्रोटीन्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ राइजोबियम बैक्टीरिया हेल्प्स प्लांट्स टू प्रिपेयर प्रोटीन्स। हमने ब्लू ग्रीन एल्गी समझ लिया, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज राइजोबियम बैक्टीरिया कैसे हेल्प करता है प्लांट्स को टू गेट नाइट्रोजन एंड टू प्रिपेयर प्रोटीन्स। बिफोर स्टार्टिंग दैट, वी विल लर्न अबाउट अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स नोन एज लेग्यूमिनस प्लांट्स। अब होता क्या है, एज यू कैन सी अ पिक्चर ऑन द बोर्ड,
मैंने क्या किया है, एक पिक्चर बनाई है बोर्ड पे, जिसमें आपको एक ट्री का स्टेम, एक प्लांट का स्टेम और उसके रूट दिखाई दे रही है। एज यू कैन सी आई हैव मेड सम बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन दी रूट्स। मैंने रूट्स के ऊपर कुछ बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। ओके, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स को लेग्यूम्स बोलते हैं बेटा। एंड ऐसे प्लांट्स जिनके रूट्स में लेग्यूम्स होते हैं, दोज आर नोन एज लेग्यूमिनस प्लांट्स। अब ये लेग्यूम्स क्या है बेटा? ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ओके, अब इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे सकती हूँ, लाइक पल्सेस, सीरियल्स, ग्रेन्स, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके रूट्स में लेग्यूम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ इन लेग्यूम्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया है। दिस बैक्टीरिया विल अगेन चेंज द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अ सूटेबल फॉर्म। ये भी क्या करते हैं, लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, दे ऑल्सो चेंज एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अ सूटेबल फॉर्म। ओके, देन दैट फॉर्म इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स थ्रू रूट्स। वो पानी के साथ, जैसे पानी एब्जॉर्ब करते हैं, उसी तरीके से पानी के साथ साथ जो स्टेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड देन दैट नाइट्रोजन इज यूज टू प्रिपेयर प्रोटीन्स। टिल नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, वी कवर्ड अप टू ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें हमने स्टडी किया था अबाउट द प्लांट्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओके, नाउ द नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज, नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटरोट्रॉफिक। बेटा मैंने हेटरोट्रॉफिक का मतलब आपको बताया था, हेट्रो मीन्स अदर। ओके, ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे प्लांट्स जो अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते, जो खुद की नरिशमेंट खुद नहीं कर सकते, दे आर डिपेंडेंट अपॉन अनदर्स फॉर देयर फूड। सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वी विल स्टडी अबाउट हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन दिस वीडियो। अंडर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वी विल लर्न अबाउट पैरासाइट, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, सेफ्रोट्रॉप्स। वी विल कंटिन्यू विद पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं? आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट विद एन एग्जाम्पल। यू कैन सी एन एग्जाम्पल ऑन द स्क्रीन, दैट इज अमरबेल, नोन एज कास्कटा। अमरबेल आपने देखी होगी, कैसी होती है? येल्लो कलर की, ट्यूबुलर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बेल होती है येल्लो कलर की, ठीक है? नाउ उसका कलर येल्लो होता है, ग्रीन नहीं होता। दैट मीन्स इट डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अगर उसके पास क्लोरोफिल नहीं है तो वो अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर कर सकती, तो उसको किसी और के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। ओके, तो अमर बेल येलो कलर की होती है। आपने मे बी, हो सकता है, देखी हो कुछ पेड़ों के ऊपर येलो येलो बेल लाइक पतली पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स कवर करके रखते हैं उसको, ठीक है? अब इसको पैरासाइट क्यों बोलते हैं? अमर बेल पैरासाइट इस वजह से है क्योंकि वो जिस भी प्लांट के ऊपर क्लाइम करती है वो उसके सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को ले लेती है और उसको टोटली ख़त्म कर देती है। वो पेड़ ख़त्म हो जाता है, डेड हो जाता है, इसी वजह से इसको पैरासाइट बोलते हैं। ओके, नाउ अब जिस प्लांट के ऊपर ये क्लाइम करती है, दैट प्लांट इज़ नोन एज, दैट ट्री इज़ नोन एज होस्ट। ओके, एंड अमरबेल इज़ नोन एज पैरासाइट। नेक्स्ट, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर द प्लांट्स दैट ईट इंसेक्ट्स। ओ, ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं? यस, एग्जाम्पल्स आर ऑन योर स्क्रीन। वन इज पिचर प्लांट एंड सेकेंड इज वीनस फ्लाई ट्रैप। नाउ
ये प्लांट्स इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं? डोंट दे हैव क्लोरोफिल? दे हैव क्लोरोफिल, दे आर ग्रीन इन कलर, ग्रीन कलर के होते हैं बेटा, बट स्टिल दे ईट इंसेक्ट्स. द रीज़न इज दे आर फाउंड इन डेंस फॉरेस्ट, बहुत ही ज़्यादा घने जंगलों में होते हैं, ठीक है. बहुत ही छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं और इनके ऊपर एक छत बनी होती है ऑफ टॉल ट्रीज, ठीक है. टॉल ट्रीज की एक छत होती है जिसकी वजह से सनलाइट इन तक पहुंच नहीं पाती और बहुत ही कम क्वांटिटी में सनलाइट पहुंचती है, तो इनके पास फूड बनाने के लिए सफिशिएंट लाइट नहीं होती. बट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट तो सेम ही रहती है सबकी, है ना. दैट इज़ वाई टू फुलफिल देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट दे ईट इंसेक्ट. ये इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं और ट्रैप करके इंसेक्ट्स के बॉडीज़ में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. दैट इज़ वाई दीज आर नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर सेफ्रोट्रॉप्स. अब ये सेफ्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? सेफ्रोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिज्म दैट टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर. यू माइट हैव सीन, अगर आपके घर में कोई फूड आइटम ज़्यादा समय तक पड़ी रहे तो व्हाट हैपन, उसके ऊपर आपने देखा है फंगस आ जाती है, वो स्पॉयल होना स्टार्ट हो जाता है. तो फंगस क्या है, फंजाए क्या है? फंजाए के स्पोर्स हमेशा एयर में प्रेजेंट होते हैं और जब भी उनको एडिक्वेट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मिलता है वो डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर लैंड करते हैं और अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाते हैं और उस डेड डिकेइंग मैटर से अपने न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हैं. इसका फ़ायदा, एक तो डेड और डिकेइंग मैटर के न्यूट्रिएंट्स से वो अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं, ठीक है. एंड सेकेंड, वो डेड और डिकेइंग मैटर जो है वो ख़त्म हो जाता है जिससे कि इन्वायरमेंट क्लीन रहता है. To understand this more deeply, you can do one activity. I am explaining one activity here. What you have to do is take one bread, ठीक है, उसको moist करो और उसको एक side पे रख दो. After 2 or 3 days, what you will observe? You will observe green patches on it. वो जो green patches हैं, अगर आप lens के नीचे देखो और अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो वी विल सी स्मॉल स्मॉल टाइनी टाइनी ऑर्गेनिजम्स ऑन इट. तो वो जो ग्रीन पैच है दैट इज़ फंजाई, वो फंगस होती है बेटा.